जो हमने जो घटना किया है उस घटना को हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, और साथ ही साथ मिजोरम ने जो घटना किया है, आसाम पुलिस ने आसाम पुलिस के ऊपर जो हमला किया है उसको कभी हम लोग नहीं मानते। आज पीएम सर डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा भी वो यहाँ पे आए हैं, सारे लोगों को वो जो इंजियर्ड लोग हैं सब अभी मिले हैं, मिलके उनको जो अच्छी स्वास्थ्य सेवा दी जा सके उसका व्यवस्था वो देख रेख कर रहे हैं। जी कौशिक राय, अभी मिजोरम चीफ मिनिस्टर ने हम को बता दिया है कि 200 पुलिसमैन असम साइड से मिजोरम में एंटर किया है, आपको क्या कहना है? असम का जमीन मिजोरम ने कब्जा किया हुआ था और कल सुबह असम पुलिस ने मिजोरम की जो जमीन वो खाली करने के लिए कोशिश की, और उस समय असम एडमिनिस्ट्रेशन और मिजोरम एडमिनिस्ट्रेशन डीसी लेवल का मीटिंग भी चल रहा था, और उस मीटिंग का चलने का वक्त ही मिजो पुलिस ने अटैक किया और हमारे 6 जवान इसमें शहीद हो गए। मिजोरम का जो इल्जाम है वो सरासर गलत इल्जाम है, वो गलत इल्जाम है। How is the situation right now there in the border areas and what steps are being taken? Abhi Assam Chief Minister jo policeman hamla hua hai, he's visiting all of them right now in hospital, we're getting to learn right now. Ji ji, Assam Chief Minister ne abhi Silchar Medical College mein hai aur jitne jawan इंजियर्ड हुए हैं उन सबसे उन्होंने मिले, एक एक करके सबसे उन्होंने सबका हालचाल लिया। और हमारा कहना है कि बॉर्डर में काफी तनाव है, असम के लोगों में काफी गुस्सा है, असम के लोग इसका बदला लेना चाहते हैं। असम के 6 जवान हमारे शहीद हुए हैं और यहाँ बराक वैली के लोगों का कहना है कि हम मिजोरम के ऊपर इकोनॉमिक ब्लॉकेट देंगे, हम मिजोरम के ऊपर हम लोग इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगाएंगे, हम इसमें पब्लिक लगाना चाहती है। और आज काफी जगह में पब्लिक ने ब्लॉकेट किया है कि मिजोरम में कोई भी खाने पीने का सामान शुरू करके कोई भी सामान हम मिजोरम जाने नहीं देंगे। ऑलराइट कौशिक, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट।